अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये निकल नहीं रहा, इट इज नॉट कमिंग ऑफ, इट इज नॉट कमिंग ऑफ। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू। अच्छी सोच वाले कभी दूसरों को धोखा नहीं देते, पॉजिटिव पीपल नेवर बिट्रे अदर्स, पॉजिटिव पीपल नेवर बिट्रे अदर्स। अच्छी सोच वाले कभी दूसरों को धोखा नहीं देते, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पॉजिटिव पीपल नेवर बिट्रे अदर्स। वो मार खाएगा तब जाकर अपनी जुबान खोलेगा, ही विल बी बिटन देन एट लास्ट ही विल ओपन हिज टंग, ही विल बी बिटन देन एट लास्ट ही विल ओपन हिज टंग। सारी परेशानी की जड़ तुम ही हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। सारी परेशानियों की जड़ तुम ही हो, उनकी तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर दे स्पीक टू यू लाइक दैट, हाउ डेयर दे स्पीक टू यू लाइक दैट। उनकी तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर दे स्पीक टू यू लाइक दैट। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, आई लीव इट ऑल अप टू यू, I leave it all up to you. मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, I leave it all up to you. हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, Why all the bad things happen with me? Why all the bad things happen with me? हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, Why all the bad things happen with me? जिस लड़की से वो शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगी, The girl he marries would be very happy in life. The girl he marries would be very happy in life. जिस लड़की से वो शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगी, या वो जिंदगी में बहुत खुश रहेगी। The girl he marries would be very happy in life. बेवकूफ समझा है क्या मुझे? Do you think I am an idiot? Do you think I am an idiot? जब से तुम वापस आए मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। Since you returned, I have not watched any movie. Since you returned, I have not watched any movie. जब से तुम वापस आए हो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है. Since you returned, I have not watched any movie. उसने इस बात को दिल पर ले लिया. She took this matter to heart. She took this matter to heart. कौन कौन जाता है? Who all go? Who all go? हम उससे गाना गवा सकते हैं, वी कैन मेक हिम सिंग द सॉन्ग, वी कैन मेक हिम सिंग द सॉन्ग। मैं तुम्हारे साथ सालों से हूँ, आई हैव बीन विद यू फॉर इयर्स, आई हैव बीन विद यू फॉर इयर्स। मैंने सब कुछ किया जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था, आई डिड ऑल दैट आई कैन डू फॉर यू, आई डिड ऑल That I can do for you. मैंने सब कुछ किया जो मैं तुम्हारे के लिए कर सकता था, I did all that I can do for you. मैं तुम्हारे बारे में सोचकर रुक गया, I thought of you and stopped. I thought of you and stopped. मैं तुम्हारे बारे में सोचकर रुक गया, I thought of you and stopped. वो बच्चे मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हैं, Those children remind me of my childhood. Those children remind me of my childhood. मैं ये बाद में सुनूंगी, I will listen to it later. I will listen to it later. मैं ये बाद में सुनूंगी या मैं इसे बाद में सुनूंगी, I will listen to it later. बाकी सब कहाँ हैं? Where are the rest of them? Where are the rest of them? उसने कॉल की थी, She had called. She had called. किसके लिए काम करते हो तुम? Who do you work for? Who do you work for? किसके लिए काम करते हो तुम? Who do you work for? आप इससे क्या नतीजा खज करते हैं? What do you conclude from that?
What do you conclude from that? मुझे कोई एतराज नहीं. I have no objection. I have no objection. कल रात तुमने क्या किया? What did you do last night? What did you do last night? मैं गिरने से बच गई. I escaped falling. I escaped falling. मैं गिरने से बच गई. I escaped falling. क्या वो जानती है मैं कहाँ रहता हूँ? Does she know where I live? Does she know where I live? पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है. The fan is too noisy. The fan is too noisy. पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है. The fan is too noisy. मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है. I know everything about you. I know everything about you. मेरा मन कर रहा है तुम्हें पीटने का. I am feeling like I beat you. I am feeling like I beat you. मेरा मन कर रहा है या मेरा दिल कर रहा है तुम्हें पीटने का. I am feeling like I beat you. तुमने ये कितने अच्छे से बताया. How elegant you explained it. How elegant you explained it. मुझे तो अब तुम पर भरोसा ही नहीं है. I don't have trust on you now. I do not have trust on you now. मुझे तो अब तुम पर भरोसा ही नहीं है. I don't have trust on you now. तुम एक दिन में कितनी बार खाते हो? How often do you take food a day? How often do you take food a day? मैं तब से यही हूँ. I have been here since. I have been here since. मैं तब से यही हूँ. I have been here since. चलो आज बाहर खाते हैं. Let's eat out today. Let's eat out today. चलो आज बाहर खाते हैं. Let's eat out today. पैसा क्या है? बस हाथों की मैल है. What is money? It is just the dirt on the hand. What is money? पैसा क्या है? It is just the dirt on the hand. बस हाथों की मैल है. What is money? It is just the dirt on the hand. मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा. I will bury you alive. I will bury you alive. वो नहीं जानता कि उसके वालिद का उसका वालिद किस तरह के इंसान है. He does not know what sort of person his father is. He doesn't know what sort of person his father is. वो नहीं जानता कि उसके वालिद किस तरह के इंसान हैं. He doesn't know what sort of person his father is. कितने बदतमीज हो तुम? How rude of you. How rude of you. कितने बदतमीज हो तुम? How rude of you. माँ ने मुझे इससे बात करने दी. Mom has let me talk to him. Mom has let me talk to him. माँ ने मुझे उससे बात करने दी. Mom has let me talk to him. हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था. We should not have let him go. We shouldn't have let him go. We should not have let him go. बेवकूफ सही से नंबर डायल नहीं कर सकता. Idiot cannot dial correctly. कहते हैं ना बेवकूफ सही से नंबर भी डायल नहीं कर सकता. Idiot cannot dial correctly. बेवकूफ सही से नंबर भी डायल नहीं कर सकता. Idiot cannot dial correctly. मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ. I am not after money. I am not after money. मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am not after money. So friends, ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. So friends, जितनी ज़्यादा आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.